आनंद नगर चुनाव को लेकर के विनीत मणि त्रिपाठी ने कही बड़ी बात। जनपद महाराजगंज के अंतर्गत आनंद नगर में चुनाव घमासान शुरू हो गया, जहां पर सभी लोगों ने अपने अपने वादे को लेकर मैदान में उतरे हैं। वहीं पर आनंद नगर के चुनाव को लेकर विनीत मणि त्रिपाठी ने कहा, आज चुनाव का बिगुल बजते ही लोगों ने तरह तरह का वादा किया मगर काम नहीं किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि आनंद नगर की जनता ने हमको चुनाव जिताया तो हम जनता का सेवा करेंगे। चुनाव हम नहीं बल्कि आनंद नगर की जनता जीतेगी। हम वादा नहीं काम करेंगे। आज आप देख सकते हैं इससे पहले के लोगों की जनता की क्या हालत है, क्या नहीं है। इससे पहले कई लोगों ने सिर्फ कालाबाजारी की, धन इकट्ठा किए, काम का दिखावा किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब चुनाव सर पर आता है तो लोग झूठे वादे करते हैं और जीतने के बाद बैंक बैलेंस करते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, ना ही करने देंगे। चुनाव हमारा नहीं बल्कि आनंद नगर के जनता के भविष्य का सवाल का चुनाव है। आपको बता दें, महिला सीट होने के नाते हमने अपनी पत्नी विनीत मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा। आज हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। उम्मीद है कि हम विजय घोषित होंगे। चुनाव जीतने के बाद जनता का सेवक बनकर रहेंगे। उद्घोष समय के लिए एके मिश्रा की रिपोर्ट। आप आनंद नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? मैं विनीत मणि त्रिपाठी निराला नगर निवासी हूँ और नगर पंचायत के चुनाव में सामान्य महिला सीट आने पर मैं अपनी पत्नी को प्रियंवदा त्रिपाठी को गदा चुनाव चिन्ह के साथ निर्दल चुनाव मैदान में मैंने उतारा है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जनता एक ऐसे प्रत्याशी को इस बार चुनाव में चुने जो वास्तव में जनता के हितों के लिए सोचता हो, उनके लिए लड़ता हो, उनके लिए काम करता हो। आनंद नगर में अन्य कई प्रत्याशियों ने उतरा है, दमदारी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग दावा कर रहे हैं हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आनंद नगर में जो भी प्रत्याशी आज दमदारी का दावा कर रहे हैं वो आनंद नगर में लूट के पैसे को मार्केट में पूरी तरीके से पानी की तरह बहा करके उसी दमदारी की बात कर रहे हैं। अगर उनके साथ आप जो भी चलने वाली भीड़ है उसमें समर्पित कितने लोग हैं वो आप पता करेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि कितने समर्पित लोग उनके साथ चल रहे हैं। आज विनीत मणि के साथ जो भी लोग चल रहे हैं वो मेरे त्याग, मेरी तपस्या, मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष देख करके जिनके लिए मैंने काम किया है आज मेरे साथ वह लोग बड़ी मजबूती से खड़े हैं। और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उनके सामने कहीं भी किसी भी प्रत्याशी के किराए की भीड़ टिक नहीं पाएगी। और इस समय देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के बहुत सपोर्टर थे, मैं अपने निगाहों से देखा कि विधायक जी कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके बारे में आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं 2012 से जुड़ा रहा विधायक जी के साथ, 2022 में भी जुड़ा रहा। हमने पूरा काम अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, लगन और ईमानदारी के साथ हमने वीरेंद्र जी के चुनाव में पूरी मदद की उनकी। जब यहाँ जनरल महिला सीट आई तो मैंने अपने दावेदारी पेश की कि सर जनरल सीट है तो इस पर एक जनरल को आप चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है विनीत बाबू, हम चुनाव लड़ाएंगे, अगर जनरल सीट है तो हम जनरल प्रत्याशी देंगे। उनके लगातार आश्वासन की वजह से हम लोग उनके विश्वास पर उनके साथ बने रहे। अगर पहले मुझे पता चल गया होता कि मुझे इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो संभवतः मैं किसी और पार्टी का दामन थाम लेता। अब आज ये मेरी गलती है कि मैं विश्वास करके पछता रहा हूँ। खैर ठीक है, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं अपने ही निर्दल चुनाव लड़ने का हमने अपने को तय किया और मैं निर्दल चुनाव मैदान में हूँ। चुनाव के बाद फिर अगली रणनीति हमारे द्वारा तय